हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट फैंटेसी मैच प्रीव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हम इंडियन वुमन वर्सेस बांग्लादेश वुमन का थर्ड ODI मैच, और इस मैच प्रीव्यू में हम देखने वाले पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड जो कि इस मैच में भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और उसके बाद प्लेइंग 11 देखेंगे, प्लेयर फॉर्म देखेंगे, प्लेयर बैटल देखेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, टॉप कैप्टनशिप पिक, GL डिफरेंशियल पिक और डेमो टीम देने वाला हूँ, और आखिर में मैं फैंटेसी टिप दूंगा जब डेमो टीम बताऊंगा उसी टाइम। तो वीडियो पूरा देखो क्योंकि ज़्यादा बोर करने वाला नहीं हूँ, कि ये कुछ बचा नहीं है इस सीरीज में, आखिरी मैच होने वाला है तो बेसिक बातों पर ध्यान देंगे, उसी से अपने को अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो पूरा देखो वीडियो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। तो पिच की बात करें तो भाई स्पिनर फ्रेंडली विकेट रहने वाला ही है, क्योंकि बहुत सारे में अभी चौथा पाँचवा मैच है ये इस वेन्यू में, तो पिच ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई रहेंगी, अच्छा किए रहेंगी, बट ये विकेट अभी फ़िलहाल स्किप स्पिन गेंदबाजी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस स्विंग बॉलर जो रहता है स्विंग स्विंग करता है उस बॉलर पेस बॉलर को अच्छा सपोर्ट करने वाला है। तो महरूफ़ अख्तर को एज अ कैप्टन कर सकते हो आप कौन से भी एक दिन में, उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा सा मूवमेंट मिल सकता है पेस बॉलर को, स्पिनर को तो मिलने ही वाला है, बस पेसर को भी मिलेगा। उसके बाद वेन्यू की बात करेंगे, 7 मैच हुए वेन्यू पे, 3 मैच बैट फर्स्ट करने वाले जीते, 4 मैच बैट सेकंड वाले जीते, 161 का एवरेज स्कोर है यहाँ पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, 5 बार 200 के बिलो 5 बार यह स्कोर बना है, और एक बार 200 to 249 के आसपास बना है, और एक 250 से 299 के बीच में बना है, तो एकदम डिसेंट स्कोर होने वाला है क्योंकि बहुत सारे मैचेस हुए हैं तो ज़्यादा यहाँ पे रन बनने के बनना मुश्किल है, थोड़ा स्पिन बॉलर की वजह से बैट्समैन को विकेट पर खेलना बहुत मुश्किल होने वाला है। रिसेंट में 2 मैचेस हुए यहाँ पे, एक मैच बांग्लादेश वुमन ने जीता, एक मैच इंडियन वुमन ने जीता, और दोनों मैचों में देखो 10 विकेट पेसर को है और स्पिनर को 22 विकेट मिला है दोनों मैचों में, तो स्पिनर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हेड टू हेड की बात करेंगे, 7 मैच हुए हेड टू हेड में, 6 मैच इंडियन वुमन जीती है, 1 मैच बांग्लादेश वुमन जीती है, और इस लास्ट मैच में देखो कौन से टॉप प्लेयर थे लास्ट मैच में, देखो स्मृति मंदन 36 किया था, यष्टिका भाटिया ने 15 किया था, हरमनप्रीत ने 52 किया था, जेमी मन 86 किया था और 4 विकेट भी लिया था, तो ये भी एक लपड़ा है यहाँ पे कि कोई भी ओवर कर रहा है कोई भी विकेट लेके जा रहा है, तो वैसे 3 प्लेयर है उन पर ध्यान रखना, वो अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ उसके बारे में। हरलिन देवल ने भी 25 किया था, देविका ने 3 विकेट लिया था, मेघना सिंह को 1, दीप्ति शर्मा को 1 और राणा को 1 विकेट मिला था। बांग्लादेश की तरफ से महरूफ़ ने 12 रन किया था, मुर्शिद खातून ने 12 किया था सॉरी, उसके बाद फरगाना हक ने 47 किया था, और ये फरगाना हक ही है जो 25 प्लस आसपास स्कोर करती हुई दिख सकती है इस मैच में। रितु मोनी वो प्लेयर है जो डिफरेंशियल CVVC बन सकती है, रितु मोनी और लता मंडल ये 2 ऐसी प्लेयर है कि ये बॉलिंग भी करती है बैट भी करती है, बैट से 20 से 25 रन कर सकती है और बॉलिंग अगर पूरी कराती है तो भी 1 से 2 विकेट ले सकते हैं, तो ये दोनों बांग्लादेश की तरफ से ये GL के डिफरेंशियल पिक रहने वाले हैं, और इंडियन वुमन की तरफ से हरलिन देवल, क्योंकि अभी तक उसने बॉलिंग नहीं किया तो मे भी इस मैच में पूरी बॉलिंग करती हुई दिख सकती है, तो एक GL पिक रहने वाली है। 3 पिक हो गए अपने GL के डिफरेंशियल। मारूफ हो गया देखो लास्ट मैच में 1 ही विकेट मिला था, शमीम सुल्ताना को 2, नायदा अख्तर को 2, रायबा को 1 विकेट मिला था, उससे पहले मैच में उसके पहले तो पता ही नहीं, मारूफा ने 4 विकेट लिया था उस मैच में, नायदा ने 1 विकेट लिया था, सुल्ताना ने 1 विकेट 16 रन किया था, रायबा ने 10 रन 3 विकेट लिया था, निगाह सुल्तान ने 39, फरगाना 27 और मुर्शिदा खातून 13। उसके बाद प्रिया पुनिया भी GL डिफरेंशियल बिक रहेगी, रिकॉर्ड अच्छा है वेन्यू पे, ठीक ठाक है रिकॉर्ड। स्मृति मंदाना 11 किया था, 15 यष्टिका ने किया था, जेमी अहमद दीप्ति को 1 विकेट मिला था, 20 रन अमरजोत ने 4 विकेट लिया था उस मैच में, और वैद्य को 2 विकेट मिला था। प्लेयर बैटल की बात करेंगे, फहिमा खातून को राणा ने एक बार आउट किया,
फरगनाग को पूजा वस्त्रकर ने निगर सुल्तान को राणा ने आउट किया है, नाहिद अख्तर को भी राणा ने आउट किया है, पूजा वस्त्रकर ने एक बार लता मंडल का आउट किया है, स्मृति मंदाना को भी एक बार आउट किया है नाहिद अख्तर ने, शेफाली वर्मा रितु मोनी ने एक बार आउट किया है, यस्तिका भाटिया एक बार आउट किया है। और ये अपडेट करने वाला हूँ, ये तो पूरा नहीं लिखा मैंने, तो और अपडेट करने वाला हूँ या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट शेयर कर दूँगा। प्लेयर बैटल प्लेयर प्लेइंग 11 की बात करें तो वही रहने वाली है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहने वाला है, खाली प्रिया पुनिया और स्मृति मंदाना को डिप्रेशन ट्राई करना, तो ये रहने वाला है प्लेइंग 11। प्रिया पुनिया, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत, जमीमा, हरलीन देवल, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा, अमरजोत कौर, देविका वैद्या, मेघन सिंह, और कोई एक आधी चेंजेस हो सकती है तो मोनिका पटेल को चांस दे सकती है टीम, देखते हैं किसको चांस देने वाली, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस मैच में। बेंच पे बहुत सारे प्लेयर हैं, बांग्लादेश की तरफ से मुझे नहीं लगता कुछ चेंजेस होके सेम ही रहने वाली है, मुर्शिदा गाजू, शमीम अख्तर, फरगन हक, लता मंडल, रितु मोनी, ये दोनों ही प्लेयर अब बढ़िया रहने वाली है, जीएल पिक रहेंगे, डिफरेंशियल पिक रहेंगे, सीबीबीसी के भाई है, बढ़िया प्लेयर है, अभी तो रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, पर बैट से 20-25 रन और 1-2 विकेट लेते हुए दिख सकते हैं, पर ये ओवर नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, पर इस मैच में कर सकते हैं बॉलिंग। निगर सुल्ताना बढ़िया फॉर्म में है, रायबा खान इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वो बॉलिंग पूरा कर रही है, इसकी वजह से फाइमा खातून इसको जीएल में रिप्रेंशल ट्राई करना है, बैट बॉलिंग उतने कुछ खास नहीं की दो मैचों में, T20 में एक विकेट लिया था इसने, नाहिद अख्तर तो मस्ट हैव में रहेगी, CBBC भी जा सकते हो इसके साथ, बैटिंग से अभी तक तो कुछ खास नहीं है, पर हर मैच में एक विकेट ले रही है, मारोपा को अगर खेलती है बैट बॉल फर्स्ट करती है तो कैप्टन बना के चल सकते हो, सेकंड इनिंग में कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि पेस बॉलर को यहाँ पर स्टार्टिंग में मूवमेंट मिलता है इसकी वजह से। सलमा खातून ये सबसे बड़ी प्लेयर निकली इस सीरीज से, सुल्ताना खातून। बेंच पे शमीम सुल्ताना ये भी डिसेंट फॉर्म में है भाई, अच्छी खेल लेती है, विश्वास का कोई रिकॉर्ड नहीं, संजीद अख्तर है, शोभना मस्त्री है, सलमा खातून है, शोभना अख्तर है, तो ये प्लेइंग 11। टॉप कैप्टनसी की बात करते हैं भाई, ग्रैंड लीग में सुल्ताना के साथ जा सकते हो हरमनप्रीत, रायबा खान, नाहिद अख्तर, स्मॉल लीग में जाओ जिमीमा के साथ दीप्ति शर्मा, देविका वैद्या, स्मृति मंदाना, उसके बाद जीएल डिफरेंशियल पिक में मैंने दोनों का नाम नहीं लिखा है, निगर सुल्तान, हरलीन देवल, यस्तिका भाटिया, अमरजीत कौर, और अभी लिख देता हूँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 लता मंडल, रितु मोनी, ये 6 पिक रहेंगे ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल पिक रहने वाले अपने। तो डेमो टीम की बात करूँ तो भाई निगर सुल्तान को पिक से रख रहा हूँ, बैटिंग ऑर्डर का भी कंफर्म नहीं है अपना, यस्तिका को भी जल्दी आई थी उस दिन, स्मृति मंदाना की जगह भी प्रिया पुनिया को ट्राई कर सकते हो ड्रॉप करके, हरमनप्रीत और जमीमा को फिक्स करो, फरगन हक भी जहाँ तक फॉर्म की बात है तो ये भी फिक्स रहेगी, अच्छा करते हुए दिख सकती है, और उसके बाद नाहिद अख्तर की जगह विकेट कीपिंग मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर में 3 ही पिक रहने वाली है अपनी, देविका की जगह हरलीन को ट्राई कर सकते हैं, अमरजोत को और स्नेहा राणा को, इसको डिफरेंशियल ट्राई करो, रायबा खान फिक्स रहने वाली है, स्नेहा राणा भी फिक्स रहने वाली है, स्नेहा राणा को भी अपडेट कर सकता हूँ मैं अमरजोत कौर के साथ विद्या की जगह पे दूसरा कोई ट्राई कर सकते हो, और सुल्ताना खातून फिक्स रहेगी, नाहिद अख्तर की जगह पे मारूफा अख्तर को अपन डिफरेंशियल ट्राई करके, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, मंदाना की जगह पे चेंजेस करना है, 1-2 चेंजेस कर सकते हो, प्रिया पुनिया को ट्राई कर सकते हो इसके जगह पे, फरगना हक की जगह पे अगर शमीम सुल्ताना खेलती है तो उसको ट्राई करो, दीप्ति शर्मा को फिक्स रखूँगा, इसको मैं डिफरेंशियल ट्राई करूँगा वस्त्रकर के साथ, देविका वैद्या को, स्नेहा राणा फिक्स रहेगी देविका वैद्या के साथ, और हरलीन देवल को भी ऐड कर सकता हूँ मैं मंदाना के जगह पे, प्रिया पुनिया और मंदाना और हरलीन देवल, सुल्ताना खातून फिक्स रहेगी, नाहिद अख्तर की जगह पे मारूफा को ट्राई करूँगा मैं,
स्पेशली फर्स्ट इनिंग में अगर खेलती है, बॉलिंग करती है बांग्लादेश, तो कैप्टनसी करूँगा। तो और फाइनल टीम जो भी रहेगा टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। प्लस इसका मैं अपडेट करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, प्लेयर पैटल, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये फ्री है भाई, वेबसाइट ही अपने पर फ्री है, इस पर कोई एडवर्टाइज वगैरह नहीं आती, तो फ्री में देख सकते हो। तो मैच के लिए सबको गुड लक, और बाकी चैनल को फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और इस लिंक पर आकर पूरी स्टार्ट चेक करो। तो मिलते हैं मैच के बाद टॉस के टाइम। सबको गुड लक, बाय बाय।